ये जनता से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि जो आपके बच्चे को बेरोजगार करे, जो आपके गैस को बढ़ा दे, जो आपको महंगाई दे, जो आपको पूरा सिस्टम बिगाड़ दे, उसको वोट मत दीजिए। वोट ये उंगली है ना, इस उंगली से धमकाया जाता है। इस उंगली को बोला जाए तुरा छोड़बो ना, और इसी उंगली को जाके वहाँ जाके टेह कर देते हैं। इस उंगली को गिरवी रखने के लिए नहीं है भाई। उंगली मतलब क्या होता है? इसी से इस सिस्टम को हिला देने वाला है। आप इससे थोड़े वो किसी को धमकाते हैं, इससे धमकाते हैं, इससे धमकाते हैं, और यही उंगली को वोट से देते, वोट मतलब इसी से ना देते हैं। तो इसको जैसे जाइएगा, इसका अटैचमेंट हृदय से होता है, और ये हृदय परिवर्तन करेगा कि लोग जो जो बोला सब झूठ बोला। तो हम जो है, हम भी बीजेपी वाला हिंदू नहीं है, हम सनातन वाला हिंदू हैं, हम इंसानियत वाला हिंदू है। 400 पार क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है कि हमको लगता है कि 100 सीट आएगा, उसको चार चार लोग मिलकर जो अर्थी उठाएगा वही 400 पार ये बोल रहे हैं। तो अब मान लीजिए अर्थी उठाने वाला आप 400 पार जैसे 100 आदमी इंटू 4, तो वो बोल रहे हैं लोग समझ में आएगा। हम माले वाला समझा देते हैं लोगों को बढ़िया से कि 100 सीट 125 सीट 150 सीट किसी तरह कूक के। देखिए ये 37 पार्टियां हैं, 37 मुस्लिम लीग भी बीजेपी में है, गूगल कर लेंगे जो जानकारी नहीं, मुस्लिम लीग भी है, और हम लोग 26 पार्टी है। तो अधजल लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि जो ये लोग सब मिलके बीजेपी को हरा रहा है, यार तुम लोग 37 पार्टी हो और 37 पार्टी में कर्नाटक में बलात्कारी को भी जाके प्रचार करते हो, टिकट उकट देते हो। तो ज्ञानता की कमी है, हमारे सब मित्र हैं चाहे जो वोटर हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं। इस बार बहुत सारे लोग 50% नहीं देंगे। अन्नपूर्णा देवी जो पिछले बार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और एक दौर के मतलब बड़े नेता कहे जाने वाले बाबूलाल मरांडी को जिस अन्नपूर्णा देवी ने हराया है, उसको इस मोदी के वेव के दौरान, भले वेव थोड़ा कम है लेकिन है, उस वेव के दौरान विनोद सिंह हरा देंगे अन्नपूर्णा देवी? झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव होना है लोकसभा का, और वो 20 मई को होना है, और दूसरे चरण में चतरा, हजारीबाग और कोडरमा आता है। आपको जानकारी है पूरे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा है। अभी हम लोग कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत गांडे विधानसभा के कर्णपुरा में हैं। यहाँ हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी का परिचय यह है कि राजेश जी कोडरमा लोकसभा से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, माले के जो प्रत्याशी हैं विनोद सिंह, उनके चुनावी कर्ता हैं। चुनावी कर्ता अगर आम भाषा में बात करें तो प्रत्याशी ही होता है, वो क्षेत्र में हर उन जगहों पर जा सकता है जहां आम कार्यकर्ता आम नागरिक नहीं जा सकता, सिर्फ प्रत्याशी जा सकते हैं। सिग्नेचर जहां प्रत्याशी को करना होगा, अगर प्रत्याशी अवेलेबल नहीं है तो चुनावी कर्ता सिग्नेचर कर सकते हैं। तो अगर हम आम भाषा में बात करें तो प्रत्याशी ही हमारे साथ फिलहाल बैठे हैं। विनोद सिंह से बाकी और लोग गए हैं बातचीत करने, उनसे बात हो पाई, फिलहाल ये है मौजूद। कल चुनाव है जी, 19 तारीख आज है, हम लोग जब इंटरव्यू कर रहे हैं 20 तारीख कल चुनाव। जी जी जी, कितना तैयार है, कितना तैयारी कर चुके हैं? तैयारी एक्चुअली क्या है कि देखिए, हम लोग की तैयारी 5 साल होती है, और 12 बजे रात में भी हम लोग काम करते रहते हैं, 2 बजे रात को भी काम करते रहते हैं। जनता के लिए काम करना है, और ये जनता से रिलेटेड है, वोटर से रिलेटेड, इसलिए तैयारी वो करेंगे। अरे ये बिजली भी कड़कने लगी, ये बिजली विनोद सिंह जो जीत रहे हैं उसी की बिजली है, मतलब स्वागत कर रहे हैं प्रकृति जो स्वागत कर। ये पटाखा फूट रहा है, ये पटाखा फूट रहा है, जो पटाखा 4 तारीख को फूटना है, ये पटाखा इसी समय का फूट रहा है। तो एकदम इतना श्योर है कि विनोद सिंह जीत रहे हैं, मोदी जी का लहर है, 400 पार का नारा है। मोदी जी का 11 बार जो वो नारा है वो फैल रहा है। झारखंड की बात करें तो बोल रहे थे कि अब की बार 65 पार, अब कहाँ पे अटक गया देख लीजिए, आधा भी नहीं आता। तो मोदी जी का बात और क्या बोलते हैं, तो देख लीजिए 2014 से जितने चीज़ों को इन्होंने बोला सबका सब झूठ हुआ, और इनके अमित शाह जी बोलते हैं वो जुमला था। तो इनका बात बहुत लोगों को समझ में आ गया, बहुत लोगों का 50% लोगों को समझ में आ गया। इनको वोट आता कहाँ, 33% आया था 14 में, तो 67% आया था, विपक्षियों को अलग अलग था। इसी तरह से इन लोग 2019 में बरगला के लाए इन लोग 40, तो 60 ज़्यादा था। तो अभी लोग समझ गए कि सब मिल गया, तो इसको टेंशन हो गया, बहुत 33% भी नहीं आएगा। तो इसलिए 400 पार मोदी जी नहीं कर पाएंगे। 400 पार क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है कि हमको लगता है कि 100 सीट आएगा, उसको चार चार लोग मिलकर जो अर्थी उठाएगा
वही 400 पार ये बोल रहे हैं। तो अब मान लीजिए अर्थी उठाने वाला आप 400 पार जैसे 100 आदमी इंटू 4 तो वो बोल रहे हैं लोग समझ में आएगा। हम माले वाला समझा देते हैं लोगों बढ़िया से कि 100 सीट 125 सीट 150 सीट किसी तरह कूक के। देखिए ये 37 पार्टियां हैं, 37 मुस्लिम लीग भी बीजेपी में है, गूगल कर लेंगे जो जानकारी नहीं, मुस्लिम लीग भी है और हम लोग 26 पार्टी है। तो अधजल लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि जो ये लोग सब मिल के बीजेपी को हरा रहा है, यार तुम लोग 37 पार्टी हो और 37 पार्टी में कर्नाटक में बलात्कारी को भी जाके प्रचार करते हो, टिकट उकट देते हो, तो ज्ञानता की कमी है। हमारे सब मित्र हैं चाहे जो वोटर हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं, इस बार बहुत सारे लोग 50% नहीं देंगे, उनसे रिक्वेस्ट भी है कि जब काम नहीं होता है हर, अब मोदी जी यहाँ आए थे बिरनी में, विनोद जी के डर से जब आए थे यहाँ पे बिरनी में, तो समझिए इतना खौफ कि पूरे कहीं झारखंड में जगह नहीं मिला, बिरनी मिला। बिरनी हमारा गांव है, तो बिरनी आपका गांव? हाँ गांव है बिरनी, था ना पोखरिया हमारा गांव। तो हमको लगा कि ये हालत हो गया कि हमारा गांव घूमने लगे। मुखिया का चुनाव है क्या जी, 5 डिस्ट्रिक्ट का आदमी बोला के भीड़ जुगाड़ करते हैं 5-5 सौ 4-4 सौ रुपये हम दे के। आप अवतार पुरुष है तो अवतार पुरुष तो ऐसे चल जाता है भेंट करने के लिए अपना अवतार पुरुष। अरे सब इनको बोलता है मोदी जी को कि ये अवतार पुरुष हैं, आरती उरती लगाने लगता है। चलिए ठीक है, उनकी आस्था रही होगी, घंटी भी बजा रहे थे, तो ये खाली मोदी जी को बोलने के दे रहे। देखिए है अच्छे मोटिवेटर हैं, शिव खेड़ा लोग तो अभी किताब लिख के निकल गए, इनका किताब बाद में हम लोग लिखेंगे। तो मोटिवेटर है ये, लोगों के दिमाग में कैसे एंट्री करना है वो चीज़ करते हैं। तो थरिया बजाते हैं, कभी देखते होंगे पैदल चलवा देते हैं मजदूरों को, छाला उला पूरा इनका बात पूरा डिटेल्स में बोलिए तो बड़ा ख़राब स्थिति है। तो डर से भीड़ नहीं आए, 5-5 जिला से दूसरे जिला से भीड़ बुला रहे हैं। तो बीच बीच में हम लोग रोक के पूछते थे आप लोग भी करिएगा कितने मिल लो, तो बोलेगा 200 टका मिल लो और खाए पियल बोलो वो सब भी दे रहा लो। अब बताइए अवतार पुरुष का भाषण सुनने के लिए पहले तो लोग लाते हैं गाड़ी में और गाड़ी में लेके एंट्री करा देते हैं। माले जैसा थोड़ा है कि गाड़ी नहीं भी देंगे तो भी चलाएगा, नॉमिनेशन में कुछ नहीं देंगे, हमारे पास है नहीं तो देंगे कहाँ से। इन लोग के पास इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला पैसा है। अब वो कत्लखाना से 251 करोड़ रुपया लेना और रिजेक्टेड फार्मा कंपनी से 2000 करोड़, इतना पैसा ही लोग पास, इतना पैसा ही लोग पास है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लूटा हुआ धन चंदा का धंधा करने वाला पार्टी, ये लोग सनातन सनातन बोल के जो है ना मतलब कि हिंदू के साथ जिसको कहते हैं वो भी गड़बड़ा के रख दिए। तो हम जो है हम भी बीजेपी वाला हिंदू नहीं है, हम सनातन वाला हिंदू हैं, हम इंसानियत वाला हिंदू हैं। और इन लोग क्या है कि ले दे के वहीं पे पड़ जाता है। आप बीजेपी वाला हिंदू नहीं? नहीं बीजेपी वाले नहीं, बीजेपी वाले जो हैं वो भी थोड़ा थोड़ा आप जानने लगे हैं कि सनातन क्या है, ये सब मार्केटिंग करते हैं। अच्छा आप सनातन बोल के आप कत्लखाना से पैसा ले लीजिएगा, इतना गिरतू हो गए हैं आप बताइए। तो सबसे चलिए अडानी अबानी से आप सेटिंग पेटिंग करते हैं वो ठीक ठाक, अब कत्लखाना से पैसा लेते हद कर दिया। अच्छा इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला ये लोग क्या किया, SBI को बोला था कि तो सुप्रीम कोर्ट का डर से ये लोग एक सप्ताह में दे दिया और नहीं दे रहा था तो तुरंत लोग बोला गया कि भाई किसी भी हालत में चाहिए तो दिया। तो सोचिए ये 3 महीना टाल रहे थे, पूरा खाका निकल गया ना, आप देखिए ना जाके चुनाव आयोग का पूरा डाटा देखिएगा तो लोगों को लगेगा। अच्छा खैर इनके जितने बीजेपी के चाहे जितने वोटर हैं ना वो वोटर भी इस बात को गंभीरता से समझ गए और इस बार वोट नहीं दे रहे हैं। तो मतलब अन्नपूर्णा देवी जो पिछले बार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और एक दौर के मतलब बड़े नेता कहे जाने वाले बाबूलाल मरांडी को जिस अन्नपूर्णा देवी ने हराया है, उसको इस मोदी के वेव के दौरान, भले वो वेव थोड़ा कम है लेकिन है, उस वेव के दौरान विनोद सिंह हरा देंगे अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय राज्य मंत्री? दोनों का हम देखिए महिला है, सम्मानित है, 50% महिला है, वोटर है, 50% महिला है, 50% महिला एक तरह से वोटर के बात करें तो सम्मानित लोग हैं। तो महिलाओं के साथ भी इन्होंने धोखा दिया, शिक्षा तो जिस प्रकार से मतलब कि उस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। आप चुनाव में 2 महीना निकलते हैं विरोध होना शुरू हो गया, हमको लगता है 52-55 जगह पे तो वीडियो आया हो, 10-12 जगह का आप लोग का आया, हर जगह को वीडियो को मना कर दिया गया बहुत तरह का। तो काम नहीं करने से लोग आक्रोशित होता है और हम तो समझते हैं कि राजद से फिर वो इधर आई और राजद को भी पहचानने से भूल गए,
अपने जातियों से जो इन्होंने जिताया था उनको पहचानने से भूल गए, तो इसका आक्रोश है, हम देख रहे हैं बहुत तेज से आक्रोश है। अच्छा, लेकिन जाति का बहुत रोल होता है किसी चुनाव में। चुनाव में हम लोग जिस तरह से आते हैं, हम लोग जाति नहीं, जिस धर्म से जिस जाति से सब करते हैं, लेकिन चुनाव में बहुत बड़ा रोल होता है, फैक्टर होता है। वो बोलेंगे हमारे इतने लोग हैं, हमारे इतने लोग हैं, लेकिन जाति वाला में भी देखें भड़क गए सब ना। अब मान लीजिए कि आप जिस जाति से आते हैं उस जाति को भी आप गिरिडीह में प्रतिनिधि बनाते हैं, गिरिडीह विधानसभा के लोक प्रतिनिधि बनाते हैं, सांसद प्रतिनिधि, और जो कोडरमा है, गांडे है, बगोदर है, आपका जमुआ है, राजधनवार है, इनके लोगों को नहीं बनाते, तो उससे भी भड़के कि भाई वही आदमी मिला। अब मान लीजिए बहुत तरह की बातें हैं, तो क्या मुद्दा है आप लोग का? मुद्दा सिर्फ मोदी जी और मोदी जी का तो विरोध है? नहीं नहीं, मोदी जी का तो विरोध नहीं, आप छेड़े तो हम बोल दिए। बात क्या है कि हमको जो पलायन वहाँ हो रहा है मजदूरों का, जो वहाँ ढीबरा मजदूरों के साथ हो रहा है, जो बेरोजगार हैं, जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, जो मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, जो स्टूडेंट है वैकेंसी नहीं निकालते। बीजेपी जैसे आई वैकेंसी गायब, सेंट्रल से अब देख लीजिए कोई बैंक का वैकेंसी नहीं, कोई एसएससी का वैकेंसी नहीं, कोई रेलवे का वैकेंसी नहीं, बेरोजगार कर देते हैं लोग, उन्हें धज्जी उड़ा देते हैं। निजीकरण पर हल्ला करने वाले निजीकरण का देख लीजिए, हम आएंगे भाइयों बहनों तो निजीकरण कर देंगे ख़त्म, ये कर देंगे ख़त्म। ये लोग बहुत बड़ा, जनता समझ चुकी है, हमसे ज़्यादा समझती है जनता। अच्छा, इस इलाके में आपके कोडरमा में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी आप लोगों के लिए, यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो विनोद, उनके लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं, कई सभाएं उन्होंने की है, क्या उसका असर देखने को मिलेगा? लगता है बहुत असर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार बहुत अच्छी नेत्री हैं, झारखंड में ऐसे लोगों की कमी थी, आई तो बहुत खुशी हुई, और सबसे बड़ा बहुत अच्छी वक्ता है, बहुत अच्छी मोटिवेटर हैं, और बहुत उफान पे जाएंगी आज नहीं तो कल, आप देखेंगे। आज जो उनका बोलने का तरीका है, जो उनका सोचने का तरीका है, जो उनका स्ट्रेटेजी है, हम समझते हैं कि यूनिक, और महिलाओं को आगे आना चाहिए राजनीति में, और ये भी जीत रही हैं। देखिए पूरे झारखंड की बात करें तो यहाँ तो उपचुनाव है, भारी मतों से जीतेंगे ये, बहुत तरीके से मेहनत किया जा रहा है। मेहनत नहीं भी करे तो गुरु जी हैं, हेमंत सोरेन जी हैं, उनके लोग भी फॉलोवर हैं, तो ये जीत रही हैं बहुत तरीके से। कल आप विकास भी करेंगे, चूंकि देखिए गिरिडीह के लिए सौभाग्य होगा कि ये बने और डेवलप करें। कल बाइक रैली था आप लोग का? जी जी जी, कल आपके बाइक रैली में जो हम आपसे बात कर रहे थे, आपने एक बात की, बर्बाद कर देंगे इन लोग, बर्बाद कर देंगे, मतलब कि 14 में जो 12 लाए थे उसमें से उन लोग विसर्जन हो जाएगा। जैसे दो सिटी लोग बड़ा हल्ला करते हैं, एक तो करते हैं निशिकांत दुबे जी को, पूरे एकदम फैला दिए। निशिकांत दुबे जी मान लीजिए बोलते हैं एयरपोर्ट लाए, अरे भैया बाबा वहाँ लाए हैं, ज्योतिर्लिंग है ना, बाबा लाए हैं, वही बाबा थोड़े लाए जी, ये जाति वाला बाबा नहीं लाए। अभी देखिए वहाँ पे आपका उस क्षेत्र में पावर प्लांट है, वो वहाँ का पावर जाता है कहाँ पे? बांग्लादेश को जाता है, झारखंड को नहीं मिलता है। तो ये सब क्यों नहीं काम करते हैं? निशिकांत दुबे जी करना चाहिए। अब रेलवे का चार अगर आया, अरे बाबा के लिए आया, ये निशिकांत बाबा जी के लिए नहीं आया, मैंने हमको जो लगता है, इसलिए अगरबत्ती जलाना छोड़ दें, वो अगरबत्ती वहीं तक रहने दें, उसकी अगरबत्ती चारों तरफ नहीं फैलाएं लोग बहुत। तो कितना सीट आप लोग संभावना इंडिया गठबंधन का इस बार? कम से कम 10 हो सकता है, ये लोग गायब हो जाएं। देखिए अब ऐसा नहीं कि बात का इंटरव्यू अगर आप हमसे लेंगे तो आना नहीं चाहिए, जनता से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि जो आपके बच्चे को बेरोजगार करे, जो आपके गैस को बढ़ा दे, जो आपको महंगाई दे, जो आपको पूरा सिस्टम बिगाड़ दे, उसको वोट मत दीजिए। वोट ये उंगली है ना, इस उंगली से धमकाया जाता है, इस उंगली को बोला जाए थोड़ा छोड़बो ना, और इसी उंगली को जाके वहाँ जाके टेढ़ कर देते हैं। इस उंगली को गिरवी रखने के लिए नहीं है भाई, उंगली मतलब क्या होता है, इसी से सिस्टम को हिला देने वाला है। आप इससे थोड़े वो किसी को धमकाते हैं, इससे धमकाते हैं और यही उंगली को वोट से देते, वोट मतलब इसी से ना देते। तो इसको जैसे जाइएगा, इसका अटैचमेंट हृदय से होता है, और ये हृदय परिवर्तन करेगा कि लोग जो जो बोला सब झूठ बोला, सीधे जाके अगर मोदी जी पर जा भी रहा है कमल मल पर, हटा दीजिएगा, और नहीं हटाइएगा तो आपका बच्चा जो अभी पढ़ रहा है
जो शिक्षा ले रहा है वो बेरोजगार होगा, और बेरोजगार जब पैदा होगा तो समझिए फिर इसी तरह झाल बजाएंगे इन लोग। जिस तरह से झाल बजवाते हैं, वो गमछी डाल देते हैं लोग का, देखिए खर्चा नहीं है लोग का, गमछी लाते हैं लोग, डाल दिया तू होगली बीजेपी। अरे यार पूरा समझाइए, बीजेपी में अच्छे अच्छे लोग भी रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग भी रहे, उनको सीधे साइड कर दिए, विजय जी आए मारे सीधे फुटबॉल ठाप्स गोल, माने खत्म कहानी है लोग का। तो बारिश हो रहा है इसलिए इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको धन्यवाद, उम्मीद करें कि जो आप बोल रहे हैं जनता समझे, मोदी जी जनता समझेंगे, जनता बहुत अच्छी है, आपके माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, आपके माध्यम से समझेंगे। और विनोद जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छे लीडर है, ताम झाम नहीं है उनमें, हर व्यक्ति का सुनते हैं। पैसा कैसे खर्चा कर रहे हैं आखिरी में, पैसा कैसे खर्चा, दुनिया जान का खर्चा होता है। देखिए विनोद जी को पैसा नहीं, आप लोग बताते हैं बना जी के पास कहाँ से आएगा। मान लीजिए कि जो विधायक है, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं हमको पत्रकार, विधायक रह लो तीन बार रह लो ना आए लो की, तो हम लोग में ऐसा है कि अगर आता है पैसा वो भी पार्टी फंड में जाता है, पार्टी फंड आप पढ़िए थोड़ा सा, पार्टी फंड उनको देते, कहाँ से पैसा आएगा। अगर मान लीजिए कोई आता है, जैसे दूसरे विधायक को देखते होंगे जो 10% 5% यहाँ नहीं चलता है, यहाँ जो देना चाहेगा उसको बोलेगा चार चापानल बढ़ा देना और ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाना, इसलिए अच्छा काम होता है, वहाँ के जो काम करने वाले उनको डिस्टर्ब भी नहीं होता है। आप काम करिए, जितना काम मिला है काम करिए और काम को बेहतर करिए, ज़्यादा उधर उधर वाला जो आप लोग करते हैं, और भी अलग अलग जगह का जो होता है जहाँ होता है सब जगह होता है, तो वो आपको यहाँ नहीं। अरे यहाँ लाल झंडा आ जाएगा तो सब जगह सिस्टम बिगाड़ सुधार देंगे, तो हम लोग क्या मजाक कर रहे हैं। सिस्टम देखिए, अफसर शाही जो है ना वो हावी है, और उस अफसर शाही को खत्म कौन कर सकता है, इंडिया गठबंधन कर सकता है, लाल झंडा कर सकता है। और हेमंत जी जो हैं जिनको जेल में डाल दिया गया है, उससे ज़्यादा मतलब कि अरे ये नहीं ना माने, ये नहीं माने कि आपके बात कि हम आपके साथ सेट गए इसलिए जेल में डाल दिए। अरविंद केजरीवाल का यही हाल किए, आप ज़्यादा भ्रष्टाचारी आपके पास, जिनको एक सप्ताह गाली देते थे पहले मोदी जी, सबको मुख्यमंत्री बना दिए, किसी को ये दे दिए, किसी को ये दे दिए, किसी फलाना दे दिए। अरे उनका स्टडी करिएगा, 20 मिनट स्टडी करिएगा, लगेगा कहाँ से कौन कहाँ, इसलिए ज़्यादा मत करिए भीग जाएंगे। तो आपको जो भी समझ में आता है अपना वोट है आप वो देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ विनोद सिंह के कल्पना जी जो है थोड़ा सा हम करते हैं, कल्पना जी का एक नंबर में है और विनोद जी का 7 नंबर में है, धोनी वाला 7 नंबर है, 7 दीजिएगा। और इधर भी जो गिरिडीह से भी गायब होने वाले केला जी, इनको भी आप उड़ा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।